जब इसने कहा अल्लाहुम्मा अमूतु वाहया, मेरे ही नाम से बताओ तेरे नाम से जिंदा होता। तो रोजाना मौत है का नमूना दिखा रहा है और रोजाना क़यामत का नमूना दिखा रहा है। ये क़यामत है सोरा तो रोजाना से देख रहे हैं, छोटी क़यामत और क़यामत कुबरा इसी से समझ। वह अल्लज़ी तवफ़ाकुम बिललैल, वो खुदा है जो रात में वफ़ात देता मौत देता तुमको, वफ़ात का लज़ीमा रात में वफ़ात देता है तुमको और दोबारा फिर जिंदा कर देता है। ये रोजाना नमूना दिखा रहा है और फिर वो दुआ और आयत, दुआ भी आयत भी है जो खबर में उतारने के बाद मुर्दे पर मिट्टी डालते हैं उस मौके पर हम पढ़ते हैं और हुज़ूर की सुन्नत है। ये सोलहवें पारे की आयत भी है, मिन्हा खलकनाकुम, तीन मरतबा मिट्टी डालना मुर्दे के ऊपर। पहली बार मिट्टी डाल के कहना मिन्हा खलकनाकुम, जिसका मतलब है इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया। और फिहा नुईदुकुम, दूसरी बार मिट्टी डाल के कहेंगे कि फिहा नुईदुकुम, इसी में हम तुमको ले जा रहे हैं। और तीसरी बार मिट्टी डाल के पढ़ेंगे और मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कल क़यामत के दिन दोबारा इसी मिट्टी से निकालेंगे। तो ये दलील है इस बात की कि क़यामत होगी, क़यामत होना चाहिए। यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम तौहीद रिसालत आखिरत को नहीं मानते, हमारी कुदरत पे गौर करो। और अजीब बात यह है कि बारिश की मिसाल में तौहीद रिसालत आखिरत तीनों बातें आ गई हैं। ये कुरान की खूबी है कि बारिश अल्लाह के सिवा कौन बरसाता है, ज़मीन किसकी है, तो किसी ने कहा मेरी ज़मीन मेरी बारिश, अल्लाह की तौहीद साबित होती है। बारिश कब होगी अल्लाह बेहतर जानता है, बारिश कौन बरसाता है अल्लाह बरसाता है, काफिर मुशरिक भी मानता है, तौहीद मालूम होती है इसे। और इसी बारिश और ज़मीन की मिसाल से मालूम होता है कि ज़मीन मुर्दा है, उसको ज़िंदगी की ज़रूरत है। तो बारिश को रहमत कहा गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत कहा गया, कुरान को रहमत कहा गया, और कुरान और हुज़ूर के ज़रिए से मुर्दा दिलों को ईमान की, इस्लाम की ज़िंदगी मिलती है। जिस तरह मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगी पैदा होती है, वही इलाही की बारिश से और कुरान की बारिश से मुर्दा दिलों को ईमान नसीब होता है। रिसालत का सबूत मिल गया इसे। जिस तरह मुर्दा ज़मीन ज़िंदा होती है, मुर्दों को ज़िंदा किया जाएगा, आखिरत का सबूत मिलता है। तो ज़मीन और बारिश की मिसाल से तीनों बातें अल्लाह ने साबित कर दी है, इसलिए फरमाया वायतुल्लहु अर्दुल मैता, मुर्दा ज़मीन में इनके लिए निशानी है, अहयैनाहा, हमने उसको ज़िंदा किया, आखरजना मिन्हा हब्बा दाना निकाला, अनाज हल्ला निकाला, फमीन हुआ बोलो जिसे वो खाते हैं। और देखिए इस मिट्टी और ज़मीन में क्या है, वजअलना फीहा जन्नति मिन नखील, बागात पैदा किए हमने खजूर के, अनाब और अंगूर के, व फज्जरना फीहा मिन अयून, और ज़मीन के अंदर चश्मे फाड़ दिए, चश्मे जारी कर दिए। फजर के वक्त फजर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला अंधेरे को फाड़ के उजाला नमूदार करते हैं, तो फजर के माने फाड़ने के आते हैं। और इसी बिना पर आदमी को फासिक और फाजिर बोलते हैं जो अल्लाह के अहकाम को तोड़ देता, फाड़ देता है। तो फजर और फजर का फजूर और फाजिर, ये फाड़ने के मफहूम में, फज्जरना फाड़ दिया हमने फीहा ज़मीन में, मिन अयून चश्मे, ये चश्मे, ये बागात, ये खजूर अंगूर और नखलिस्तान फला फला आपको चांद में नहीं मिलेंगे। इसलिए चांद की मिट्टी पे जो रिसर्च हुआ है उसमें वो बात नहीं है जो ज़मीन के अंदर, इस मिट्टी के अंदर पाई जाती है, वहाँ ज़िंदगी के वो आसार नहीं हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। वो अलग किस्म की ज़मीन है, ये अलग किस्म की ज़मीन है। मिट्टी कुरान का एक मौजू है, इसलिए कि इंसान जो है चार चीज़ों से बना है, मिट्टी है, आग है, हवा है, पानी है, ये चार चीज़ें हैं। और ये चार चीज़ों से साइंस भी बहस करती है, साइंस में भी ये चार चीज़ें हैं, या तो मिट्टी की बात होती है, या तो हवा की, या पानी की, आग की होती है, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनका ताल्लुक क्या है आपस में, और इनसे क्या क्या फायदे उठाए जा सकते हैं। और यही चार चीज़ें इंसान के अंदर भी हैं। इसकी इंसान जैसे गुस्से में आता है तो आग का नतीजा है, इंसान में कुव्वत है, पावर है, वो हवा का नतीजा है, इंसान जो है नरम पड़ता है ये पानी का नतीजा है, और समझे कि हवा है, आग है, पानी है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं कि इंसान के जज्बात के लिए उसका इजहार होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़मीन पर गौर करो कि दाने को फाड़ा और खजूर नखलिस्तान पैदा किया, पाकिस्तान में अंगूर और चश्मे निकाल दिया, फज्जरना फीहा मिनल उयून, फिर खास लेवल पर पानी को रखा, इसलिए कि जियोलॉजी के अतबार से, इल्म तबकात वार्स के अतबार से ज़मीन की भी बेशुमार किस्में हैं और खसूसियात अलग अलग हैं इसकी। जैसे कि 3 फीट गहराई में जो है मुर्दे को दफन करते हैं, तो उसकी खूबी बयान की गई कि इस लेवल पर क्या फ़ायदा है दफन करने का, और ज़्यादा गड़ा कर दें तो फायदे की चीज़ नहीं बताया जाता है। फिर वहाँ से खसूसियात ज़मीन की बदल जाती हैं और एक खास लेवल तक पानी मिलता है, फिर अंदर खारा और मीठा पानी मिला हुआ है। अल्लाह ताला कहते हैं बैनहुमा बरज़खुल्ला बुनियान, एक ऐसी दीवार ऐसी आड़ है जो दोनों को मिलने नहीं देती, अगरचे के मिले हुए हैं। फिर और नीचे चले जाइए तो वहाँ जो है ना हवलनाक किस्म का सिलसिला आ रहा है, और रोज़ाना सिलसिले आते हैं, हल्की हल्की होती है, हमको असर नहीं होता है, और हवलनाक सिलसिला आता है 40-50 किलोमीटर अंदर, उसका असर ऊपर ज़ाहिर होता है। असल सिलसिला तो 50-60 किलोमीटर अंदर आता हो, उसका हल्का सा असर हमको जो महसूस होता है, तो फिर यहाँ के ज़मीन जो है गड़े पड़ जाते हैं और सिलसिले की तबाहकारी हमारे सामने आती है। तो ज़मीन और मिट्टी जो है एक मौजू है कुरान का, जैसे फरमाया सूरह मुल्क के अंदर कि वल्लज़ी जअला लकुम अल-अर्ज़ा ज़लूला, वल्लाह जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए ज़लील कर दिया, ये ज़लील का उर्दू में वहीं से निकला, यानी पामाल कर दिया रौंदने के काबिल, वरना और ज़मीन पे जाओ तुम तो उसको रौंद नहीं सकते आसानी से। इंसान जो चांद पे जाके आया वो जूता पहन के गया, नंगे पाँव नहीं जा सका, नहीं चल सकता नंगे पाँव आदमी, यहाँ चलता है कि ज़मीन को हमने ज़लील कर दिया, पामाल कर दिया, हम शूफी मना की दिया, उसके कंधों पर चलो, तो कुलू में रिस्क उसका रिस्क खाओ, वही ही मशहूर अल्लाह की तरफ पलट जाना है। ये सारी खसूसियात मिट्टी के अंदर है कि अल्लाह ने उसको काबिल बनाया कि जिससे बेशुमार फायदे उठा रहे हैं। अगर इसके अंदर केमिकल्स नहीं होते, खेती कहाँ से पैदा होती? अगर ये खास लेवल पर बीज को बोने के नतीजे में, जैसा कि किसान जो है खेती पैदा करता है, ये खसूसियात अल्लाह ताला नहीं रखते तो खेती कैसे पैदा होती? और ज़मीन की साजगारी ना होती, माहौल ना होता, हवा ना होती, सूरज ना होता, सूरज की हरारत ना होती, तो फिर ये नखलिस्तान कहाँ से आता? ये अनाब और अंगूर के दरख्त कहाँ से आते? ये फिर बेल कहाँ से आती? ये गल्ला और तरकारी कहाँ से इंसान को मिलते? तो कुदरत की तरफ से बेशुमार किस्म के, समझिए कि अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, इसके नतीजे में एक निवाला हमारे हाथ में आता है। अबरो बादो महो खुर्शीद फलक हमारा कारण ता
تو نانی بکفاری و بغفلت نخوری ای هما از بهر تو سرگشتا و فرما بردار شرط انصاف نباشد که تو فرما نبری یہ ابر یہ ہوا یہ سورج یہ چاند یہ پانی اور یہ سب کچھ مسلسل کام کیے جا رہے ہیں تا تو نانے بکف آری تاکہ تمہارے ہاتھ میں نان آئے روٹی آئے اور غفلت سے نہ کھاؤ بے غفلت نہ کھوئی ہزاروں ہاتھوں کی تیاری کے بعد دیوالا تمہارے ہاتھ میں آیا ای ہمار بہرے تو فرما فرما سرگشتہ فرما بردار یہ سب کے سب تمہاری خدمت میں لگے اور شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری اور یہ بےمانی کی بات ہے کہ تم اپنے خدا کو نہ بچانا تو یہاں یہ بتانا ہے کہ دیکھیے زمین کے اندر جو اللہ نے قدرت رکھی ہے پیداوار کی اس سے فرمایا کہ ہم نے چشمے جاری کر دیے کھجور پیدا کیے انگور پیدا کیے لیا کرو من ثمری ہی تاکہ اس کے پھل کو کھائیں وہ ماں ملت ہوا ایدی ہی اور ان کے ہاتھوں نے یہ چیزیں نہیں بنائی اور ایک دوسرا ترجمہ ہوتا ہے اور وہ چیزیں بھی کھاتے ہیں جو ان کے ہاتھ بناتے ہیں عربی میں ماں کا لفظ جو ہے نہیں کے لیے بھی آتا جو کے لیے بھی آتا وہ ماں ملت ہوا ایدی ہی ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ان میں سے کوئی چیز یہ ترجمہ ہمارے ہاتھوں نے بنایا دوسرا ترجمہ ہے یہ چیزیں کھانے کے علاوہ کھجور انگور فلاں فلاں وہ ماں ملت ہوا ایدی ہی وہ چیزیں بھی کھاتے ہیں جو خود ان کے ہاتھوں نے بنایا علماء لکھتے ہیں اس میں مربے اچار چٹنی سالن جو بھی ہاتھوں سے بناتے ہیں سب داخل ہے ایٹنگ میٹنگ سب چیزوں کا ذکر ہے اس کے اندر یہ چیزیں تم ہاتھ سے جو بنا رہے ہو یہ قدرت کس نے دی تم کو مربے بناؤ چیزوں کو محفوظ رکھو مربع کس کو بولتے ہیں تربیت کی بھی چیز کو مربع بولتے ہیں یہ چیز کی تربیت کرتے ہیں تربیت کر کے اسٹور کرتے تاکہ اس کو بعد میں استعمال کریں وہ تربیت دینے کے بعد اسٹور ہونے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو مربع بولتے ہیں انہیں تربیت کیا ہوا چٹنی چاٹنے کی چیز تو اس کے اندر سوئے معاملہ تو آئی تمہارے ہاتھ جو کچھ بناتے ہیں یہ بھی دیکھو اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ چند چیزیں تو ہم نے پیدا کی موٹی موٹی چیزیں ان سے تو فائدے اٹھا کر کے آج جو ہے کتنے چیزیں تم جو ہے غذاؤں میں کتنی ورائٹی پیدا کر لی تم نے کتنی ورائٹی غذا کے اندر افلا یشکرون شکر کیوں نہیں کرتے یعنی یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں احسانات جو گنائے گئے شکر کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز ہم سے چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو یاد رکھیے کہ دین نام ہے دو چیزوں کا آدھا دین شکر ہے آدھا دین صبر ہے فشکرو نہیں یشکرکم تم جو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا فشکرو لی ولا تکفرون تم میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو وہ نشکر کا ولا نفر کا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں یہاں کہا جا افلا یشکرون تم ہاتھوں سے ہزاروں چیزیں بنا کے کھا رہے ہو پی رہے ہو عمدہ عمدہ غذائیں اور پھر اللہ نے زمین میں سے چیزیں تم کو نکال کر دی تم استعمال کرو جیسے آم سے ہزاروں چیزیں بنا رہے ہیں اور خود آم کو کس نے بنایا انگور سے کتنی چیزیں بنا رہے ہیں مگر انگور کو کس نے بنایا خود تم کو کس نے بنایا تم اپنی ہاتھوں سے ہزاروں چیزیں نکال رہے ہو افلا یشکرون پھر اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ایک پانی پہ لے لیجیے اگر رمضان کے مہینے میں جبکہ گرمی شدید ہو اور دنیا بھر کی نعمتیں آپ کے دسترخوان پہ رکھی ہوئی افطار کے موقع پر دنیا بھر کی نعمتیں جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں کر لیجیے دنیا بھر کی نعمتیں ایک طرف اور ٹھنڈا پانی ایک طرف جو لذت جو راحت جو سکون جو ٹیسٹ ٹھنڈے پانی کا ملتا ہے اس آدمی کو کہ جو پیاس سے تڑپ رہا ہے دنیا کی کسی نعمت سے نہیں ملتا اسے یہ ٹھنڈے پانی پر غور کر کے دیکھ لیجیے کہیں عجیب و غریب چیز ہوتی ہے گھروں میں پانی پی لیجیے پیاس نہیں بجھتی اور یہ ٹھنڈے پانی کی گلاس پی لیجیے دیکھیے کتنا لطف آتا ہے ایسا ہوتا نئی زندگی مل رہی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نعمتیں کھاؤ اور اللہ کا تم شکر ادا کرو جیسے ہارون رشید کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ علماء کا بڑا قدردان تھا اور وہ خود بھی عالم تھا تو ایک عالم صاحب سے نصیحت چاہیے اس نے تو عالم صاحب نے فرمایا کہ آپ کو شکار کا شوق ہے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں بعض وقت پانی بھی نہیں ملتا آپ کو تو اگر آپ کو پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب کہ جنگل میں چلا جاؤں شدید گرمی ہو پانی نہ ملے کوئی اگر ایک گلاس پانی ایسے موقع پر دے تو آدھی سلطنت دے دوں گا اور اس نے عالم نے نصیحت کی پوچھا پہلے کہ پیشاب خارج نہ ہو اور تکلیف میں مبتلا ہو تو کیا کریں گے آپ جب کہ اطبہ عاجز آ جائیں ڈاکٹر جو ہے عاجز آ جائیں اور پیشاب آپ کا خارج نہ ہو سکے تو کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پیشاب خارج کرا دے تو آدھی سلطنت دے دوں گا وہ پوچھنے والا بھی سمجھ کے پوچھ رہا تھا جواب دینے والے بھی جواب سوچ کے جواب دے رہے تھے تو بتانا مقصود یہ تھا کہ آپ کی سلطنت کی حکومت آدھا گلاس پانی کا اندر جانا اور آدھا گلاس پانی کا اندر سے خارج ہونا کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی ہمارے اوپر پیشاب کا خارج ہونا بہت بڑی نعمت ہے غلاظت کا نکلنا اجابت کا آنا بہت بڑی نعمت ہے اسی لیے حضور نے یہ دعا پڑھی ہے الحمد للہ الذی اصفانی لذا وعافانی کہ بیت الخلا سے نکلتے وقت نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھو کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ گندگی کو تکلیف کو دور کیا اور آرام پہنچایا کتنا آرام ملتا آدمی کو اور کتنی تکلیف ہوگی اور پیشاب ہو جائے پیشاب نہ آئے اور قبض ہو جائے اجابت نہ آئے کتنی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو پوچھیے مریض سے واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کروڑوں نعمتیں ہیں تو پوچھا جا رہا فرائض کروں شکر کیوں نہیں ادا کرتے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کی اوپر اللہ نے جو نعمتیں کی ان کو گنایا جائے گا اللہ کہے گا کہ میں نے یہ نام دیا یہ نعمت دی یہ تمام چیزیں دی اعتراف کرے گا تو اس کے بعد جو ہے اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی اس کے سامنے تم نے نماز پڑھی تم نے روزے رکھے تم نے یہ کام کیے اللہ تعالیٰ کہے گا تمہاری نیکیاں ایک طرف جو نعمتیں میں نے دی ہیں ہوا اور پانی اور یہ اور یہ اور یہ ذرا ایک نعمت کے بارے میں بتاؤ کہ تمہاری یہ نیکیاں ان سے کیا اس کا حق ادا ہو سکتا ہے کیا پانی کا ایک گھونٹ میں جو دیا ہے تمہاری عبادت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے تو انسان اللہ کی کسی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اگر یہ ایسا ہوتا کہ کوئی سجدے ہی میں رہتا تب بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا کون ہے جو اللہ کا شکر ادا کر سکے اس کی عبادت کا حق ادا کر سکے پھر جنت کیا چیز ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے عمل کا بدلا ہے کہ ہماری نماز قابل ہے کہ ہمیشہ کی جنت ملے کہ ہمارے روزے قابل ہیں خیرات قابل ہیں کہ ہمیشہ کی جنت ملے اسی لیے حدیث میں آتا ہے جنت تمہارے عمل کا بدلا نہیں ہے اللہ کے فضل سے تم کو ملے گی اب یہ اللہ تعالیٰ کی خبردانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے عمل کا بدلا ہے جزام بما کنتم تعملون کان سعیکم مشکورا تمہاری کوشش مقبول ہوئی قبول ہوئی یہ تمہارے عمل کا بدلا ہے یہ تو خبردانی والی بات ہے ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ جنت صرف اللہ کے فضل سے ملے اور ہماری عبادت کا جو ہے کوئی معاوضہ نہیں ہے وہ
अजर गैर ममनून बेहद हिसाब अजर है जिसका हम जो है कोई मुआवजा नहीं दे सकते। तो मतलबा यह है कि इन नियमतों पर गौर करो, अल्लाह का शुक्र करो। उसके बाद देखिए आयत नंबर 45 में कहा गया, 35 में, सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा, सुभाना पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के अज़वाज जोड़े पैदा किए, मिम्मा तुम भी तुलार ज़मीन में से जो चीज़ें निकलती उसके भी जोड़े हैं, वो भी नफ़्सों से उनकी जानों में भी जोड़े हैं, वो मिम्मा ला यअलमून उन चीज़ों में भी जोड़े हैं जिनको नहीं जानते हैं, जिन तक इनकी अभी साइंस पहुँची नहीं, साइंस की रसाई नहीं हुई अभी, हर चीज़ में जोड़े जोड़े हैं तुम्हारे अंदर, ज़मीन की चीज़ों में, कायनात की हर चीज़ में, उन चीज़ों में जिनको तुम जानते भी नहीं उनमें भी जोड़े हैं अल्लाह ताला कहते मिम्मा ला यअलमून। ये सुभाना कलस क्यों आया यहाँ, पाक है वो ज़ात। उलमा लिखते हैं कि अल्लाह ताला मुशरिकीन की जब तरबियत करते हैं तो सुभाना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ऊपर की जो बातें हैं ज़मीन को बनाना पैदावार ज़मीन की अंगूर खजूर वगैरह वगैरह ये मुशरिकीन भी मानते हैं, तो उसी की वजह से बस अल्लाह कहते हैं सुभान अल्लज़ी पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, और तुम कमबख्त हो नालायक हो, तुम खुदा को छोड़कर के झूठों के सामने दूसरों के सामने झुकते हो, अल्लाह का खाते हो दूसरों का खाते हो। यानी कुरान में आता है कि कट्टर काफिर मुशरिक मुतरफ है इस बात का कि ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, वह इंसान तो हम जरा पूछो इन मुशरिकों से मन खलक़ की किसने पैदा किया, लयखूलन अल्लाह ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया, वह इंसान तो हम जरा पूछे इनसे मन खलक़ समावाति वल अर्ज़ ज़मीन आसमान को किसने पैदा किया, लयखूलन अल्लाह ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया, कुल मैं यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ पूछो आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ कौन दे रहा है तुमको, कहेंगे कि अल्लाह दे रहा है, फ़अन्ना युफ़क़ुन के खिदा से भटका जा रहे हैं। तो यहाँ सुभान अल्लाह बता रहा है सुभान अल्लाह ये सब चीज़ें तो हम दे रहे हैं और तुम दूसरों के सामने झुक रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक है इस बात से, बेऐब है इस बात से कि उसका कोई पार्टनर हो, उसका कोई साथी हो और उसका कोई साझी हो। मुशरिकीन की तरदीद में सुभाना का लफ्ज़ बयान किया गया, और एक मौका है कुरान में सुभाना का जब महतम बिशान चीज़ बयान की जाती है, जैसे मेराज का वाक़ा, ये साइंटिस्टों के लिए है ये। यानी इकबाल ने वो पहले कहा कि हुजूर की मेराज से मुझे ये सबक मिला है कि इंसान पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में लेने वाला है, सबक मिला है मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दू, कि पूरा आसमान पूरी कायनात तुम्हारी जो है ना जद में आने वाली है, हुजूर की मेराज से मुझे सबक मिला। तो मेराज का अजीम शान वाक़ा साइंटिस्ट एतराज़ करेंगे कि बगैर जो है वो लिबास से कैसे पहुंची, हवा नहीं थी, ये नहीं था, वो था। तो ऐसे साइंटिस्टों की तरदीद में अल्लाह ताला सुभान का इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ होता है सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात, बेऐब है वो ज़ात जो रात में ले चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में, सुभान का वहाँ आता है जहाँ मुशरिकीन की, साइंटिस्टों की, दहरियों की, खुदा के नाफरमानों की तरदीद करना होता है और उनकी बेबसी बताना होता है और अल्लाह की कुदरत बताई जाती है। अब ये मुशरिकीन सुभान अल्लाह नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते कि भाई एक खुदा है कायनात को कैसे चला रहा है, छोटे छोटे खुदा होना चाहिए, उसी के मुकाबले में कहा जाता है तस्बीह सुभान अल्लाह कहो, एक है अल्हम्दुलिल्लाह इसको तहमीद बोलते हैं, यानी पॉजिटिव अंदाज में अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, और तस्बीह कहती है सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मनफी अंदाज में अल्लाह की तारीफ करना वो है तस्बीह, तस्बीह भी तारीफ ही है मगर मनफी अंदाज में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सुभान अल्लज़ी पाक है वो ज़ात, ये दहरियों के लिए, मुल्हिदों के लिए, पढ़े लिखे साइंटिस्टों के लिए, फिलासफर्स के लिए, अखल परस्तों के लिए और मुशरिकीन सब के लिए फरमाया कि सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा, हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, मिम्मा तुम भी तुलार जो ज़मीन उगाती है उसमें भी जोड़े हैं, मिन अन्फुसिकुम तुम्हारे जानों के अंदर भी हैं, मिम्मा ला यअलमून उन चीज़ों में भी जोड़े हैं जिनको तुम नहीं जानते। जैसे इससे ये मालूम होता है कि ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जितने साइंस की ब्रांचेस पाई जाती हैं इन सब में ये बात जो है लिखी जानी चाहिए कि हर चीज़ का जोड़ा है, क्योंकि पुरानी किताबों में साइंस की वो बात नहीं है जो नई जदीद किताबों में, 10 साल पहले की साइंस नहीं चलती, 5 साल पहले की साइंस नहीं चलती, और अब तो इतनी तरक्की हो रही है बखौल शख्स के किताब छपते छपते थ्योरी बदल जा रही है, क्योंकि कुरान ने पहले वादा किया है कि कायनात में तुम्हारी जान में बेशुमार निशानियां दिखाएंगे यहाँ तक कि हक वाज़े हो जाए, सनूरी की आयत नाफिल आफा पूरी कायनात में दिखाएंगे, मनफी ऐसी अनफुसी तुम्हारी जान में दिखाएंगे, हत्ता ये तबय्यन हुम अन्नहु हक वाज़े हो जाए कि अल्लाह ही हक है, अल्लाह ही की बात सच्ची है, और कुरान खुलता चला जाएगा साइंस के दौर में। आज तक किसी साइंटिस्ट ने कुरान को गलत साबित नहीं किया, जिसने गलत साबित की चंद दिन के बाद वो गलत साबित हुआ और कुरान की सदाकत ज़ाहिर हुई। इस बिना पर मुफक्किर ने सही कहा है कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड है और कायनात वर्ड ऑफ गॉड है।